मैं माननीय मंत्री महोदय से ये आग्रह चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्कूल खाली है ये जल्दी से जल्दी भरने का आश्वासन कब का देते हैं कि एक स्कूल भी मेरा खाली ना रहे बिना मास्टर से। अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे चुपाल विधानसभा क्षेत्र में आठ आपके प्राथमिक पाठशाला और 20 से अधिक हमारे मिडिल स्कूल्स, इन टोटल 28 आपके पाठशालाएं हैं जहां पर आपके कोई भी स्थायी हमारे टीचर नहीं है, लेकिन इसका भी मैं आपको ब्रेकअप देना चाहूंगा। इन 28 स्कूलों में से 6 जगह आपके एसएमसी के अध्यापक हैं, 7 जगह आपके कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं और 5 स्कूल ऐसे हैं जहां पर जीरो इनरोलमेंट है, तो वहां पर टीचर बैठने का कोई तर्क नहीं होगा। इसके अलावा आपके 2 स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी हाल में ही रेगुलर टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में 8 प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल 20 ऐसे हैं जिसमें एक भी मास्टर नहीं है और इसमें डेपुटेशन किया हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये आग्रह चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्कूल खाली है ये जल्दी से जल्दी भरने का आश्वासन कब का देते हैं कि एक स्कूल भी मेरा खाली ना रहे बिना मास्टर से। मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत सर बहुत इंटीरियर वाला है और बच्चे स्कूलों में है और प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में बच्चे हैं। चुपाल में ही स्कूलों में बच्चे, मैक्सिमम स्कूलों में बच्चे मिलेंगे सर। चलो आगे आपका प्रश्न सप्लीमेंट्री, व्हाई व्हेन द वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप। अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे चुपाल विधानसभा क्षेत्र में आठ आपके प्राथमिक पाठशाला और 20 से अधिक हमारे मिडिल स्कूल्स, इन टोटल 28 आपके पाठशालाएं हैं जहां पर आपके कोई भी स्थायी हमारे टीचर नहीं है, लेकिन इसका भी मैं आपको ब्रेकअप देना चाहूंगा। इन 28 स्कूलों में से 6 जगह आपके एसएमसी के अध्यापक हैं, 7 जगह आपके कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं और 5 स्कूल ऐसे हैं जहां पर जीरो इनरोलमेंट है, तो वहां पर टीचर बैठने का कोई तर्क नहीं होगा। इसके अलावा आपके 2 स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी हाल में ही रेगुलर टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब कहने को अब मात्र आपके 8 ऐसे स्कूल हैं जो विदाउट टीचर्स हैं और ये भी चिंता का विषय है। जहां आपके विधानसभा क्षेत्र में 8 ऐसे स्कूल है विदाउट टीचर्स, इन टोटल हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 455 के आसपास स्कूल्स हैं और पीछे ये रिपोर्ट भी देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 2020-21 में आपके जो सिंगल टीचर स्कूल हिमाचल प्रदेश में थे वो 1993 थे, 1993 थे और वो संख्या बढ़कर 2020-21 में 2922 हो चुकी है और अब आपके 22-23 में ये संख्या बढ़कर 3148 हो चुकी है। और ये हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी आपके रिक्त पड़े पद है, विशेषकर जहां पर कोई भी टीचर नहीं है या सिंगल टीचर स्कूल्स है, क्योंकि वर्तमान में काउंसलिंग के माध्यम से आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, पहली प्राथमिकता हमारी इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर उन्हीं स्कूलों में होगी जो आपके विदाउट टीचर्स है, जिसमें आपने अपने क्षेत्र का भी उदाहरण दिया और साथ ही साथ जो सिंगल टीचर स्कूल्स है और जो डेप्यूटेशन की आपने बात कही है, जो आपके यहाँ के टीचर अगर किसी अन्य स्थान पर लगाए गए उनको कैंसिल किया जाएगा, लेकिन जो डेप्यूटेशन इस उद्देश्य के साथ लगाए गए कि वो आपके स्कूल चले, वो आपके चले रहेंगे। और जहां तक डेप्यूटेशन की बात है, ये सभी डेप्यूटेशन पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान के, हमने कोई भी डेप्यूटेशन अपने कार्यकाल के दौरान नहीं लगाया है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जितने भी आपके रिक्त पड़े पद है वो भरे जाए। आपका दुर्गम क्षेत्र तो है ही है, मेरा भी एडजॉइनिंग क्षेत्र है, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ कंप्लीट, अब क्या बचा ही कुछ नहीं है, ये तो आपके प्रश्न से भी ज्यादा उत्तर दे दिया उन्होंने। माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक और आश्वासन चाहता हूं, मेरे चुनाव क्षेत्र से जेबीटी टीचर्स बाहर कांगड़ा, हमीरपुर और जेबीटी को रामपुर, दूसरी जगह भेजा जा रहा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में खुद स्कूल खाली है, वहां उनको नहीं लगाया जा रहा। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चुनाव क्षेत्र से आप एक आश्वासन दें कि टीचर को बाहर नहीं किया जाएगा, पहले मेरे स्कूल भरे जाएंगे, ये आश्वासन। दूसरा इसी में खो है सर, एक हाई स्कूल जनान है सर,
जिनान पूरी 95% ऐसी बस्ती है वहां और उसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा है, उसमें मास्टरों की कमी है। और मेरी आपसे विनती है कि वहां पर जो पद खाली है उस जनान हाई स्कूल में, वो भी जल्दी से जल्दी भरने का आश्वासन दे। दो मेरी क्वेरीज है सर। माननीय शिक्षा मंत्री जी, विभाग सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसफर के माध्यम से कोई भी स्कूल बिना अध्यापक के ना रहे, कोई भी सिंगल टीचर स्कूल ना रहे। और साथ ही साथ जनान स्कूल की आपने बात की है, आपके 11 पद स्वीकृत है, उसमें से 4 आपके रिक्त पड़े हैं, इनको भी शीघ्र भरा जाएगा। चलिए, थैंक यू।